अगर आपका 12,000 का बजट है और आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए देन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिलहाल मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं अंडर 15,000 आपको एक जो लिस्ट होती है डिवाइसेस की, जो अच्छी डिवाइसेस हैं उनके बारे में बता दूंगा। बट जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की और तब मुझे पता लगा कि भाई 12,000 से नीचे ही 5-6 मोबाइल्स ऐसे हैं जो कि बहुत दमदार हैं और आपको उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर दो कैटेगरी बना देते हैं, एक अंडर 12,000 और एक अंडर 15,000। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर 12,000 आपको कौन कौन सी डिवाइसेज मिलती हैं और कौन कौन से फ़ोन्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और कौन से किस रेंज में और किस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। इस वीडियो से पहले मैं अंडर 10,000, अंडर 8,000, अंडर 7,000 एंड अंडर 5,000 मोबाइल की लिस्ट बना चुका हूँ। आपको उन सब की जो वीडियो है वो ऊपर आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करता हूँ आपसे पहले फ़ोन की। तो अंडर 12,000 मैंने पहला जो फ़ोन रखा है वो रखा है रियलमी नार्जो 20। ये सारे एक तरह से प्राइस के हिसाब से डिवाइड मैंने किए हैं, जितना कम प्राइस उतना पहले मैंने लिखा है और जितना ज़्यादा प्राइस है उतना उसके बाद लिखा है। तो आप इसे रैंकिंग वाइज कंसिडर मत कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मैं किस फ़ोन को आपके लिए बेस्ट कहने वाला हूँ और किस किस रीज़न से कहने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने पहले रखा है 10,499 रुपये में 4+64GB मिलता है रियलमी का नार्जो 20। नोच वाली डिस्प्ले आपको मिलती है 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले, एक आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। मीटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस प्राइस में शायद ही आपको किसी फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। और तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिना किसी दिक्कत के आप अच्छी गेमिंग कर पाओगे। 1 GHz तक इसका मालिका G52 MC2 GPU क्लॉक होता है। आप समझ सकते हैं कि पबजी वगैरह भी आप इस पर आराम से खेल पाओगे। फिलहाल तो पबजी बैन है, बट जब फ्यूचर में आएगा तब आप इस पर आराम से खेल पाओगे। और 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, 18W का चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है और ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको काफ़ी अच्छा बना देती हैं। और एक 48MP का कैमरा, जी हाँ, प्राइमरी कैमरा जो मिलता है आपको 48MP का मिलता है, साथ में 8MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है और एक 2MP का आपको मिलता है मैक्रो लेंस देखने के लिए। डेप्थ सेंसर यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि उसका काम जो है सॉफ्टवेयर वाइज हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आप 4 सेंसर इसको मान सकते हैं, 3 सेंसर नहीं है क्योंकि डेप्थ सेंसर लगभग सब लोग चिपका के देते हैं और काम फिर भी वो सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। तो इसीलिए मतलब काफ़ी ठीक कैमरा डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है और सामने की तरफ आपको 8MP की सेल्फी भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये फ़ोन आपको काफ़ी ठीक ठाक प्राइस पर देखने के लिए काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको बड़ी बैटरी की ज़रूरत है, एक अच्छा गेमिंग फ़ोन आप तलाश रहे हैं लगभग 11,000 के आसपास, देन आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा फ़ोन जो लिया हुआ है वो है पोको का M2। ये इससे 500 रुपये महंगा है, 10,999 का है, बट यहाँ पर आपको 6GB की रैम मिलती है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है जो 6.5 इंच की है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी में भी आपको फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिल रही है फिलहाल अंडर 12,000 भी, यहाँ पर ये आपको फुल HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, बट यहाँ पर आपको 13MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8MP अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो और एक 2MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर भी आपको 8MP का ही मिलता है, यहाँ पर भी आपको नोच वाली डिस्प्ले ही मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 10W का चार्जर मिलता है। हालांकि ये 18W तक सपोर्ट करता है, आप 18W के चार्जर से इसको चार्ज कर पाओगे, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10W ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो नंबर 3 पर मैंने फ़ोन रखा है वो है मोटो का G9। मोटो का G9 आपको 4+64 वाला वेरियंट जो है वो देखने के लिए मिलता है 11,500 रुपये का। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर भी नोच डिस्प्ले है और कौन सी प्रोटेक्शन है बताया नहीं गया है, बट प्रोसेसर यहाँ पर बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 662 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन आपके जो प्रोसेसर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है और यहाँ पर तो स्टॉक एंड्रॉयड है और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एंड्रॉयड और स्नैपड्रैगन का जो कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब होता है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक एंड्रॉयड प्लस स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर जो कि कमाल का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। 665 जैसा ये लगभग आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन गेमिंग वगैरह आप ठीक ठाक कर पाओगे, इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे इतनी बुरी भी नहीं कर पाओगे, बट ठीक ठाक आपको एवरेज गेमिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और बैटरी भी आपको 5000 mAh की दी गई है और 20W का चार्जर भी आपको दिया गया है इसे चार्ज करने के लिए, तो आप इसको आराम से फास्ट चार्ज भी कर पाओगे। और यहाँ पर आपको NFC भी देखने के लिए मिल जाता है, जबकि इस प्राइस में NFC मिलना बड़ी ही शॉकिंग वाली बात है, बट यहाँ पर आपको ये फ़ोन जो है मोटो का G9 प्रोवाइड करवा रहा है NFC। ट्रिपल कैमरे का स्लॉट आपको देखने के लिए मिलता है बैक साइड में, 48MP का मेन कैमरा है, बाकी 2MP 2MP डेप्थ सेंसर और मैक्रो मिलते हैं, तो ठीक ठाक कैमरा कॉम्बिनेशन है। 48MP आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल ही रहा है।
सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल कैमरा के जो रिजल्ट्स वगैरह हैं आपको इस प्राइस में देने मिल रहे हैं, लगभग सब में सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। 8 मेगापिक्सल ही आपको इतने प्राइस तक देखने के लिए मिलता है। फोर्थ नंबर पर मैंने जो फोन रखा है वो वीवो की तरफ से आने वाला है, एक वीवो Y20i। ये आपको 11,490 रुपये का मिलता है। और जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 460 देखने के लिए मिल जाता है। 662 460 लगभग सेम टू सेम है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस क्लॉक स्पीड में। वहाँ पर 2.0 GHz तक क्लॉक है और यहाँ पर क्लॉक है आपकी 1.8 GHz तक। इसके अलावा आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता 460 में। इसके अलावा सारे के सारे स्पेक्स आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाते हैं 662 की तरह। वीवो का Y20i आपको देखने के लिए मिलता है 3+64GB वाला वेरिएंट 11,490 रुपये का। तो 1GB रैम कम कर दी गई है पता नहीं क्यों, बट जो स्टोरेज है आपकी इंटरनल मेमोरी वो आपको 64 ही मिल रहा है। 5000mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और फास्ट चार्जर भी आपको यहाँ नहीं मिलता है, आपको 10W से चार्ज करना पड़ेगा। बट सेल्फी वगैरह भी आपको सेम ही मिलती है, 8 MP की सेल्फी मिलती है और 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, 2 MP का मैक्रो मिलता है। तो इतने ज़्यादा अच्छे स्पेक्स इस फोन के नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वीवो का फ़ोन चाहिए, देन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये फ़ोन तो फिलहाल आपको कंसिडर करने के लायक नहीं है किसी भी मामले में। बस एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि आपको स्नैपड्रैगन का 460 मिला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि नोच डिस्प्ले है। यहाँ पर भी आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती। इसके अलावा जो पांचवा फोन मैंने कंसीडर किया हुआ है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स नोट 7। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले किसी फोन को अंडर 10,000 और अंडर 12,000 के आसपास कंसीडर कर रहा हूँ। रीज़न आप जान के शौक रह जाएंगे। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 देखने के लिए मिलता है और एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है जिसको आप डॉट डिस्प्ले बोल सकते हैं, नोच वगैरह नहीं है, आपको फुल स्क्रीन मिलेगी। इन डिस्प्ले सेल्फी आपको देखने के लिए मिलती है और वो भी 16 MP की। मीडियाटेक का हीलियो G70 आपको मिलता है। 4+64 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 11,500 का देखने के लिए मिलेगा। मीडियाटेक का हीलियो G70 काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 665 से भी अच्छा परफॉर्म करके आपको प्रोवाइड करेगा। डिस्प्ले बहुत बड़ी मिलती है आपको, लगभग 6.95 इंच की, तो आप 7 इंच कह सकते हैं। 7 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको मिलती है और वो भी फुल स्क्रीन डिस्प्ले, तो आपके वीडियो का जो देखने का मजा है, मूवीज़ देखने का मजा है, वो डबल होने वाला है। और 5000mAh की बड़ी बैटरी भी है, तो साथ में आप आराम से इसको 18W की फास्ट चार्जिंग से चार्ज भी कर पाओगे। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और 48 MP का जो प्राइमरी सेंसर है वो भी प्रोवाइड किया है और वहाँ पर आपको 2 और 2 MP के डेप्थ और मैक्रो मिलते हैं, एक AI सेंसर मिल जाता है। तो आप एक प्राइमरी सेंसर जो है 48 MP मान के चलिएगा और 16 MP की सेल्फी मान के चलिएगा। तो इस प्राइस में अंडर 12,000 ये मोस्ट मेगापिक्सल वाली जो सेल्फी है वो होती है इस प्राइस के अंदर, क्योंकि 16 MP कोई भी अंडर 12,000 प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर पंच होल की वजह से, डिज़ाइन की वजह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यार आप सोचते भी हैं कि आप 12,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छी गेमिंग भी चाहिए, साथ में आपको अच्छा डिज़ाइन भी चाहिए। 6,000 रुपये का फ़ोन है, 7,000 का फ़ोन है, उसका भी डिज़ाइन सेम है, उसके डिस्प्ले भी सेम आपकी तरह है, और आपका 12,000 का फ़ोन है उसके डिस्प्ले भी सेम है, तो फिर फ़र्क कुछ नहीं हुआ ना। तो लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर हर चीज़ के मामले में इन्फिनिक्स का नोट 7 काफ़ी ठीक परफॉर्म आपको प्रोवाइड कर। इसके अलावा जो लास्ट फ़ोन मैंने कंसीडर किया है और सबसे अच्छा फ़ोन इनमें, वही मैं कह सकता हूँ रेडमी का नोट 9। रीज़न, यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, पंच होल कैमरा मिलता है 13 MP का, और साथ में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85। ये आपको लगभग हर किसी में नहीं मिलता है। G85 अब तक का इस प्राइस में सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, बट मीडियाटेक का है, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हुए डर सकते हैं, बट एक साल तक के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक साल तक तो आराम से इसको यूज़ कर ही पाओगे। आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, नोच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पंच होल देखने के लिए मिलता है और डिस्प्ले भी आपकी फुल HD+ है और कॉर्निंग के कोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आती है। ये एक चीज़ है जो इसको बेस्ट बना देती है। इसके अलावा आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जहाँ पर 48 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है और 2 MP का ही मैक्रो लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। 13 MP का फ्रंट कैमरा मैंने आपको बता ही दिया है, तो कैमरा डिपार्टमेंट में कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी इस फ़ोन की तरफ से। बस एक शिकायत है कि आपको बैक साइड में EIS का सपोर्ट नहीं मिला है, जबकि इस प्राइस में हम EIS भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो वैसे भी इन सारे फ़ोन्स में नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो कंपटीशन तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। 5020mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, साथ में 22.5W का फास्ट चार्जर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और प्राइस भी आपको केवल 11,999 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये ही आप कह सकते हैं 4+64G वाले वेरिएंट की है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन सबसे बेस्ट बन जाता है। और दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर इन्फिनिक्स के नोट 7 को, उसके बाद में आप किसी भी फ़ोन को रख सकते हैं। रियलमी नार्जो 20 भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो आपको 10,500 रुपये में ये सारी चीज़ें लगभग प्रोवाइड करा रहा है। अगर सिर्फ HD+
डिस्प्ले को छोड़ दें और नोच वाले डिस्प्ले को छोड़ दें तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ठीक हो जाता है। बट अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार 12,000 में आपको एक नोच वाले डिस्प्ले नहीं मिलनी चाहिए, आपको पंच होल तो मिनिमम मिलना ही चाहिए जो कि लगभग सब लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बाकी ये थी मेरी रैंकिंग, बाकी आप बताना कि आपकी रैंकिंग क्या हो सकती है। कि इस लिस्ट में इस बार कोई भी नॉन चाइनीज़ फ़ोन नहीं आया है, उसका रीज़न ये है कि सैमसंग का कोई फ़ोन अच्छा था नहीं जो इस प्राइस में हो, नोकिया का भी कोई फ़ोन इतना अच्छा नहीं जो इस प्राइस में हो। बट हाँ, अंडर 10,000 आपको सैमसंग गैलेक्सी M01S और नोकिया के नोकिया 2.3 मिल जाते हैं। बट और इसके अलावा आपको ऊपर मिलते हैं 12,000 से ऊपर 15,000 की रेंज तक, तो आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन आराम से 14,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप बताना आपकी रैंकिंग क्या कहती है, अंडर 12,000 आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, और आप अपने रैंकिंग नंबर वाइज नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की रैंकिंग जान करके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।